हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वॉलेट का इससे क्या रिलेशन है। इस वॉलेट का बहुत ज़्यादा रिलेशन है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम के साथ, क्योंकि यही एक वजह हो सकती है जो कि आपको पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम कॉज कर सकती है। बहुत सारी वजह हो सकती है, मगर एक कारण यह भी होता है, वॉलेट की वजह से भी आपको पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, उसके बारे में आज हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पायरीफॉर्मिस मसल की अगर हम बात करें तो पायरीफॉर्मिस मसल एक स्मॉल और थिक मसल होती है, जो कि मिलती है हमारे पेल्विक रीजन में। इट लाइज डीप टू द ग्लूटियल मस्कुलेचर। अब पायरीफॉर्मिस मसल का काम क्या होता है, यह काम क्या करती है, जो हमारा फीमोरल हेड होता है उसको हिप जॉइंट के साथ रोके रखने का ये काम करती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम से ये ओरिजिनेट होती है और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे ये इंसर्ट होती है। ये काम क्या करती है, इसका काम ये होता है कि ये हमारे जो अपर लेग है इसका लेटरल रोटेशन कराती है ड्यूरिंग द वॉकिंग। जब पायरीफॉर्मिस मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये अपर लेग जो हमारा होता है उसका लेटरल रोटेशन करवाती है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। अब इसका वॉलेट का पायरीफॉर्मिस मसल से क्या रिलेशन, आपने जैसे कि सुना कि पायरीफॉर्मिस मसल डीप मिलती है ग्लूटियल मस्कुलेचर के। तो जैसे ही आप अपनी वॉलेट को पीछे वाले पोर्शन में रखते हैं या कि पीछे वाली जेब में रखते हैं, तो ग्लूटियल मस्कुलेचर के ऊपर ये पॉकेट आती है आपकी। अब होता क्या है कि पायरीफॉर्मिस मसल के नीचे से पास हो रही होती है शियाटिक नर्व। तो जैसे ही पायरीफॉर्मिस मसल के ऊपर कंप्रेशन आएगा, वो आपकी शियाटिक नर्व को कंप्रेस करेगी, और शियाटिक नर्व के कंप्रेस होते ही आपका क्या होगा, आपके पैर में पेन रेडिएट होगा या आपको पेन आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर पायरीफॉर्मिस मसल का पेन है तो। कभी कभार पायरीफॉर्मिस मसल का पेन शियाटिक नर्व की शियाटिका की तरह भी मिमिक करता है। तो ये वॉलेट की वजह से आपकी पायरीफॉर्मिस मसल पे कंप्रेशन आ सकता है, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है। अब आपको करना क्या है, जितना हो सके वॉलेट या तो आप आगे की जेबों में रखें। कई लोग कहते हैं कि सर हम कंफर्टेबल नहीं होते आगे की जेब में रखने के लिए वॉलेट को, तो आप क्या कीजिए कि एक स्लिम वॉलेट रखिए। इतनी मोटी वॉलेट नहीं रखनी है आपको, या जो आपके वॉलेट हैं उसमें से अनयूजफुल स्टफ्स को आप निकाल सकते हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स हो गए और दूसरी चीज़ें अगर आप रखते हैं। बिल्कुल स्लिम वॉलेट रखना है अगर आप उसको बैक पॉकेट में रख रहे हैं तो। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि वॉलेट आप या तो आगे रखना शुरू कर दीजिए, अगर पीछे रखना चाहते हैं आप वॉलेट तो बहुत स्लिम यूज़ करिए। कई लोग कहते हैं सर हमें स्लिम वॉलेट नहीं मिलती, तो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अमेजोन से आप ले सकते हैं स्लिम पॉकेट, जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम से बचने के लिए। तो दोस्तों, आप पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम को रोकने के लिए ये काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको बटक्स में पेन हो रहा है तो आप कैसे पता करेंगे कि पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम है या नहीं है। देखिए, पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आप ड्यूरिंग बाईसाइकिलिंग या ड्यूरिंग वॉकिंग आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, डीप पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्लूटियल रीजन में पेन होगा। दूसरी चीज़, आप जब लेसिग्यूए टेस्ट करेंगे, लेसिग्यूए मैन्युअल टेस्ट, हिप को 90 डिग्री फ्लेक्स करके और नी को एक्सटेंड करेंगे तो आपका पेन रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लेसिग्यूए मैन्युअल टेस्ट करते हैं, वो आपके नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो ये लेसिग्यूए मैन्युअल टेस्ट से आपको बता सकते हैं कि आपको पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम हुआ है या नहीं हुआ। किसी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से भी पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है, मगर एक वॉलेट वाला रीज़न भी है जिससे कि आप पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम आपको हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी आपको अवेयर करने के लिए कि आप जितनी अगर मोटी वॉलेट हैं आपके पास तो उसको पीछे ना रखें। शायद अभी आपको पेन ना आ रहा है, मगर कभी लेटर लाइफ में अगर पायरीफॉर्मिस मसल कंप्रेस हो गई तो आपको पायरीफॉर्मिस सिंड्रोम होने का खतरा रह सकता है। तो कोशिश करिए आप ये वॉलेट को आगे की जेब में रखें। अगर पॉसिबल नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हैं आगे की जेब में रखने के लिए, तो इसको आप पीछे की वॉलेट में रखिए, मगर स्लिम वॉलेट का यूज़ करिए। अननेसेसरी स्टफ्स को मत रखिए, विजिटिंग कार्ड्स को मत रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आप चाहते हैं अपने दोस्तों को अवेयर करना इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि लेसिग्यूए मैन्युअल टेस्ट कैसे किया जाता है उस पर भी हम वीडियो बनाएं, और दूसरी चीज़ जो आप भी जानना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।